हेलो दोस्तों, यहां पास हम लोग बात करने वाले हैं इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो कि पढ़ेंगे तो उस ऑक्सीडेशन नंबर में बहुत सारे अपवाद भी मिलते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ता है तो पढ़ते हैं उस कॉन्सेप्ट के अपोजिट मिल जाता है कई चीजें। तो इसके लिए हम लोग बेसिक बातें करने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो किस बेस पर निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग भी निकाला जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर वही जो कि नंबर ऑफ उस एटम में बॉन्ड के आधार पर भी निकाला जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर उस एटम के द्वारा डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन या फिर उस एटम के द्वारा एक्सेप्ट किए हुए इलेक्ट्रॉन के बेस पर भी निकाला जा सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर उस जो एटम है उस एटम में कितने बॉन्ड है उनके आधार पर भी निकाला जा सकता है। ऑक्सीडेशन निकालने की कई सारी विधियां। तो यहां पर हम लोग बेसिक तीन विधि की बात करेंगे या तो देख लेंगे दो ही विधि की बात करेंगे। जहां पास अपवाद मिलेगा उसको किस तरह से डील करना है उनकी बातें करते हैं। तो चलिए, यहां पास एटम है नाइट्रिक एसिड इस तरह से HNO3 H3PO3 PCl3 में फास्फोरस H2SO4 सल्फर और H2SO5 में जो कि हम लोग निकालेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन। तो चलिए इनका कुछ बातें को यहां पर पढ़ ले कि आखिर ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला क्यों जाता है। पहले चीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वह हो जाता है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। और उस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले वो हो जाता है निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव आने वाला है बोले थे अभी। तो ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव का जब वो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। वही बात कर ले ऑक्सीडेशन नंबर में नोट पॉइंट यह रह जाता है कि जो किसी भी एटम पर या फिर कह दे किसी पदार्थ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह उस पदार्थ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या ज्यादा नहीं होगा। कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होने वाला ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जांपल नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होते हैं। लिखा क्या जाएगा 2N5, मतलब इसके ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना हो सकता है, +5। वही बात कर ले अगर फास्फोरस का, तो फास्फोरस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 15, 2N5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5। बात कर ले उसी तरह से जो कि सिलिकॉन का, सिलिकॉन में होता है 14, 2, 8 और 4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +4 ही। तो यहां पर हम लोग यही ऑक्सीडेशन निकालने वाले हैं कि इस पॉइंट को याद रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन इस तरह से दिए गए, इस क्वेश्चन की बात कर ले, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस तरह से नाइट्रिक एसिड HNO3, इस HNO3 में हमको निकालना है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या करें, मैथमेटिक्स से रूल के अकॉर्डिंग निकाल दें। हाइड्रोजन का होता है +1 प्लस नाइट्रोजन का निकालना है प्लस ऑक्सीजन में होता है -2 मल्टीप्लाई किससे है 3 से लिख रहे और इज इक्वल टू जो कि हमको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखा जाएगा 0 लिखा जाएगा। कर दो इनको मैथमेटिक्स से रूल के अकॉर्डिंग या फिर इनको बोल दे ट्रिक के अकॉर्डिंग। x है यहां पास, एक 1 यहां आ गया, x यहां पास है प्लस और इनके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस में हो जाएगा, -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तीनों नीचे -6, x को अगर बाहर निकाल दे तो 6 -1 क्या हो गया, x इज इक्वल टू +5 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। +5 किसका +5 है, नाइट्रोजन का +5 है इस तरह से HNO3 पर। अब इसको प्रूफ कैसे करें कि भाई इसका +5 होता है। देखिए एक कॉमन चीज है, एक और होता है नोट नंबर, जैसे फर्स्ट लिखे ना वैसे नोट नंबर सेकंड लिखिए। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम पर जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव ऐसा होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव। अगर इनके पास +5 है इनका मतलब इनके पास -5 होना चाहिए, इनको प्रूफ करना है तभी इनके ऑक्सीडेशन नंबर
क्लैरिटी से बताया जा सकता है कि हाँ इसका प्लस 5 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक संतुलित होना है। संतुलित कितना होता है, जितना प्लस उतना माइनस, संतुलित रहेगा। अगर प्लस और माइनस बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है, कहा जाएगा। और इसको देखेंगे हम लोग इनको लुईस स्ट्रक्चर के कारण। लुईस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं भाई, लुईस स्ट्रक्चर बना के देखें, नाइट्रिक एसिड का लुईस स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, साइड एटम नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन कितना है, इस तरह से कितना ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, एक नाइट्रोजन के साथ इस तरह से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, चलो जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन को वैलेंसी कंप्लीट कर दो, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड चाहते रख देंगे, दो बॉन्ड चाहते हैं, वैलेंस के लिए क्लियर कर दें। नाइट्रोजन की वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर दिए हैं, आपस क्या हुआ, आपस 1 2 3 4 5 कंप्लीट है इनका इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास इस तरह से अभी भी इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो 5 और 6 है, हो गया। ऑक्सीजन के में लास्ट में 6 है, 6 है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पर है 5 है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल पर है 1 है। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है। अब देखिए हो क्या है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम प्लस में आना ही है, तो कितना है बॉन्ड है 1 2 3 4 5, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के पास कितना है, -2 1 2 माइनस में होता है -2, इस ऑक्सीजन के पास भी कितना है -2, इसके पास कितना है, इनके पास इनके लिए -1, इनके लिए भी -1, इस हाइड्रोजन का +1। अब देखें इनका क्या होने वाला है, अगर इनको भी ऐसा निकाल दो, कुछ पल के लिए देख लो, +2 इधर है, +2 इधर है, +1 इधर है, क्यों है, क्योंकि जितना बॉन्ड उतना ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है, इसमें +2 इनका -2 +2 -2 +1 -1 +1 -1 सब कट जाएगा, मतलब जितना प्लस उतना माइनस। देखिए प्लस कितना है, 2 4 5 6, माइनस कितना है, 2 4 5 और 6। ऑक्सीडेशन नंबर यही होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होना ही चाहिए। अब केवल सोचो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 कहां से, यहां से 6 लिख दिए भाई, ये तो बैलेंस करा रहे हैं, बैलेंस कराने के लिए प्लस 6 से देखते हैं, और वाजिब में इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो, इनको देखो ना, बस आओ क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, बस इनका होता है प्लस 5, क्लियर, आगे देखने की जरूरत नहीं। तो ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इनको ट्रिक के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स रूल और इस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी ऑक्सीडेशन नंबर बताया जाता है, क्लियर है बातें यहां से। चलिए नेक्स्ट देखें, इस पर देखें क्या लिखा गया है, H3PO3 लिखा गया है, क्वेश्चन एक बार और देख ले, H3PO3 देख लो, मैथ रूल के अकॉर्डिंग क्या निकाले, हाइड्रोजन का होता है +1 मल्टीप्लाई किससे, 3 से, प्लस फास्फोरस का हमको निकालना है इस तरह से, 1 से लिख दे, ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाई कितनी बार है, 3 बार, इज इक्वल टू 0, मैथमेटिक्स से निकाल दो यहां बस, +3 इनका मल्टीप्लाई किए तो 3 प्लस x माइनस और प्लस माइनस 3 × 6 - 6 तो हो गया 0, x को बाहर निकाल दे, ये हो गया माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस का प्लस में, और इस तरह से माइनस ये प्लस 3 है वो माइनस 3 में आ गया, x इज इक्वल टू कितना, प्लस 3, ये लो आ गया प्लस 3 इनका, इस तरह से फास्फोरस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर देख दो, इस पर सेंटर पर है फास्फोरस, साइड एटम कितने हैं, ऑक्सीजन 3 बार 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 बार 1 2 3, ये लो कितना है 1 2 3, प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर कर दो ना, जितना बार उतना ऑक्सीडेशन नंबर बात खत्म, प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर, उधर तो देखो मत, जिसको देखना है उसी के देखो, प्लस 3 ऑक्सीडेशन नंबर। एक और कितना शॉर्टकट तरीके से और निकाला जा सकता है, अच्छा फास्फोरस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस 3 है ना, अलाउड है, क्योंकि प्लस 5 से स्टडी होना है, प्लस 3 है होने तो चलेगा, जैसे PCl3 कुछ कर रहा ही नहीं है, शॉर्टकट में देखो क्लोरीन का होता है कितना -1, कितने बार है 3 बार, हो गया क्लोरीन कितना -3, जब ये -3 तो ये क्या होगा +3 की ही होना है, ये लो +3 ऑक्सीडेशन, कुछ निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको देख लो कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, इनका होता है -2 और एक हो गया 4 है इस पर, तो 4 2 8 8, और यहां से -2 कितना हो गया, ये हो गया 8 और 2 घट गया कितना, +6 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, +6 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। कैसे इनको देख लो मैथमेटिक्स से काल निकाल कर देखे तो क्या रहा +2, सॉरी क्या करें इनको
प्लस वन होता है मल्टीप्लाई टू से, सल्फर का निकालना है प्लस ऑक्सीजन का माइनस टू होता है मल्टीप्लाई कितना है फोर है इज इक्वल टू जीरो। एक तो कर दिया है, कर देंगे आप बस प्लस टू रह गया, एक से रह गया, चार दूनी आठ रह गए तो वो है जीरो। एक सबको बाहर निकाल दो, आठ यहाँ पास हो गया माइनस टू यहाँ पास रह गया प्लस सिक्स आ गया, यहाँ पास भी तो बताया प्लस सिक्स सही होगा, यहाँ पास भी बताया, यहाँ पास भी बताए और उसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर से भी देख लो ना, सल्फर होता है इस तरह से, ऑक्सीजन कितनी बार है इस पर फोर एटम है, ये लो वन टू थ्री फोर एटम, हाइड्रोजन कितने हैं दो है, ऑक्सीजन से जो दो हो गए, ऑक्सीजन की वैलेंस दो दो बॉन्ड्स होते हैं, रख दिए सल्फर में देखो कितना बॉन्ड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये लो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन नंबर कुछ करना ही। बात करते हैं इस तरह से, एक क्वेश्चन है H2SO4, अब हम सोचेंगे शॉर्ट कट कैसे बनाए, पांच दूनी दस दो घट गए आठ प्लस आठ ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, मैथमेटिक्स से करें तो भी देख लो यहां पर कैसे आने वाला है, मैथमेटिक्स से कर लो इसका होता है प्लस टू हो जाएगा, इनको निकालना है इनका पांच दूनी दस इज इक्वल टू जीरो, एक से निकाल दे दस माइनस दो एक्स इज इक्वल टू प्लस एट, क्या प्लस एट इस तरह से H2SO4 सॉरी H2SO5 में पॉसिबल है प्लस एट, मैथमेटिक्स से तो यही बता रहा है प्लस एट आएगा बट नहीं आने वाला है, क्यों नहीं आने वाला है यहां पास लिखा गया है सल्फर में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा सिक्स, जब इस पर सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर आठ कैसे आ जाएगा, पहले तो बता दिया सल्फर पर देखो सल्फर पर 16 होता है इलेक्ट्रॉन टू एट एंड सिक्स, आउटर मोस्ट सेल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सिक्स आएगा, कितना वैलेंस से ज्यादा नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएगा नहीं होने वाला, तो भाई ये मैथमेटिक्स यहाँ पास नहीं चलने वाला इनका काम, इनके लिए पढ़ना पड़ेगा हमको लुईस स्ट्रक्चर, अब लुईस स्ट्रक्चर बना दो यहाँ से लुईस स्ट्रक्चर बना दे, ये लो लुईस स्ट्रक्चर बनाया तो कैसे बनाया, सल्फर है सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन कितनी बार है इस तरह से पांच बार ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन क्या है यहाँ से जुड़ गया, देखते हैं हमें देखना है इस तरह से एक और ऑक्सीजन जुड़ा यहां से लिख दे हाइड्रोजन दो बार लिख दो पहले तो ये लो एक और दो बार, अब होने वाला क्या है ये जो ऑक्सीजन है आपस में बॉन्ड बना लिया तो यहां पास आ गया डबल बॉन्ड, अब देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर रह गया, इनकी स्ट्रक्चर है यहां से ऑक्सीडेशन नंबर देखो एक दो तीन चार पांच छह कितना ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स बस, अब प्लस सिक्स कैसे इसको प्रूव करते देखो ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकाल इनका कितना है प्लस टू इधर कितना है प्लस वन इनके लिए प्लस वन इनके लिए प्लस वन इस ऑक्सीजन का इनके लिए माइनस वन इनके लिए माइनस वन इस ऑक्सीजन का इनके लिए माइनस वन इनके लिए माइनस वन तो यहां से जो दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन नंबर ना दे तब भी सही है और इसके लिए यहाँ पास माइनस टू इनका माइनस वन इनके लिए माइनस वन इनके लिए प्लस वन इनके लिए माइनस वन इनके लिए माइनस वन इनके लिए प्लस वन कट गया देखो जितना प्लस उतना माइनस करते जा रहे हैं प्लस टू माइनस टू इस तरह से इस पर भी कटा ये प्लस वन माइनस वन प्लस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन जितना प्लस उतना माइनस अब इस तरह से सल्फर पर कितना बॉन्ड बना एक दो तीन चार पांच और छह तो इस तरह से इसके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स तो आई होप यह वीडियो आपको समझ आया होगा इस पर देखिए सबसे बड़ी बात तो इस नोट पॉइंट पर कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी वैलेंस से ज्यादा नहीं होगा समझ आए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगर आपको ऐसी और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट पर लिख दो उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर और उनकी स्ट्रक्चर भी बताया चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।